को विभाजन से रोकने के लिए हिंदू युवा वाहिनी की पहल, समरसता सहभोज का आयोजन। जी हां, देश को जय भीम के नारे के साथ विभाजन करने के साथ जात की राजनीति में लोगों को उलझाकर बांटा जा रहा है। आज लोग जात पात और धर्मों को बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। यह कहना है हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पंकज त्रिपाठी का। वे घोसे के पकड़ी मोड़ पर आयोजित हिंदू युवा वाहिनी के जन चौपाल एवं उसके बाद होने वाले सामूहिक समरसता सहभोज कार्यक्रम के दौरान कही। पंकज त्रिपाठी ने आगे बताया कि जिस प्रकार दूषित मानसिकता के कुछ लोग जात पात के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, उनके इसी कृत्य को रोकने के लिए आज हिंदू युवा वाहिनी द्वारा सामूहिक समरसता सहभोज कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। किसी भी हाल में छुआछूत, ऊंच नीच जैसे दुराभाव की समाज में खत्म किया जाए, यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है। मऊ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। जय भीम और जय मीम को नारों के साथ देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन और अलगाववाद का बीज बोया जा रहा है, देश को विभाजन करने की एक सुनियोजित रणनीति तैयार की जा रही है, जिसे हिंदू युवा वाहिनी रोकने का पूर्ण प्रयास करेगी। इसी कड़ी में जाति पात के भेदभाव को मिटाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए घोसी में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा सामाजिक समरसता सहभोज का आयोजन किया गया है। इससे जाति पात भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने का प्रयास किया गया तथा दलितों के संग एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण किया गया।